है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो चुका है। सुबह और शाम के समय लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। राजधानी दिल्ली के क्षेत्र में प्रदूषण लोगों का दम घोट रहा है और इस दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी ने देश की राजधानी को गैस चैम्बर में बदल दिया है। वहीं पंजाब में एक दिन में आग लगने के करीब 3600 से अधिक मामले सामने आए थे और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दावा किया है कि हरियाणा में जहां आग में 25% की कमी आई है, वहीं पंजाब में आग लगने की घटना 20% बढ़ी है। और इस दौरान पंजाब सीएम भगवंत मान ने पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब पर ही फोकस आखिर क्यों है, जबकि हरियाणा से लेकर राजस्थान की हवा भी प्रदूषित है। आपको बता दें कि प्रदूषण से दिल्ली के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के पिछले साल की अपेक्षा जितने भी पराली जलाने के आंकड़े थे, सेटेलाइट बताता है, हम नहीं बताते, हमारे 25% आंकड़े कम हुए हैं। जी यानी पिछले साल की घटनाएं अगर मैं देखता हूँ तो वो यानी 25% कम होकर के सिर्फ 2249 घटनाएं अब सामने आई हैं, जो पिछले साल 25% उसे कम है। और अगर पंजाब की घटनाएं मैं इस समय जो सेटेलाइट बता रहा है वो पिछले साल की घटनाओं से 30%। उनमें 20% बढ़ोतरी हुई है, यानी कुल मिला के 21,500 घटनाएं हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सैटेलाइट के आंकड़े हैं, वो छापते हैं, वो देते हैं, और इसमें उनको तकलीफ होगी। कि दिल्ली ते पंजाब ही क्यों की गल जी। हरियाणा मेरे को एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI ये विच फरीदाबाद नंबर वन ते है, हरियाणे का शहर है। ये विच मानेसर, ग्वालियर, गुड़गांव, सोनीपत, प्रधानमंत्री जी नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है। तुसी बिहार वाले नू बुलाओ, राजस्थान वाले नू बुलाओ, दिल्ली वाले नू बुलाओ, पंजाब वाले नू बुलाओ, हरियाणे वाले नू बुलाओ। पोल्यूशन पूरे नॉर्दर्न इंडिया की समस्या है, ऐसे दिखाया जा रहा है। इस पे केवल और केवल राजनीति हो रही है पोल्यूशन की, समाधान की कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे बस पंजाब और आम दिल्ली ने पोल्यूशन कर दिया सारे देश में। लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स सब जगह बराबर चल रहा है, तो क्या आम आदमी पार्टी ने सब जगह पोल्यूशन कर दिया? अगर पूरे नॉर्दर्न इंडिया में पोल्यूशन हो रहा है तो इसका समाधान कौन निकालेगा? प्रधानमंत्री जी को निकालना पड़ेगा ना, उनको बैठ के बात करनी पड़ेगी।